गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो सबसे पहले तो यार मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर 40 के सब्सक्राइबर्स। तो आज की वीडियो होने वाली है टेक डैडी के ऊपर। तो जो लास्ट वाली टेक डैडी हमने डाली थी यार, वो एक्चुअली अच्छे से फिट नहीं हो पाई, NH200 के लिए अच्छे से फिट नहीं हो पाती वाली टेक डैडी। तो मैंने एक क्लीन सिल लुक के लिए ये वाली टेक डैडी मंगाई है मोटो एग्रेंडाइज 14 से। तो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, ये रीसेलर नहीं है। तो ये NH200 और RS200 दोनों के लिए है। तो ये हम, अगर आपको मेरे जैसा टेल पसंद है बाइक की, तो आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगने वाला है और वेट लॉस भी होता है बाइक का। तो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ DS200 नाम से। तो अगर आप वहाँ पे जाके मेरा कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एक तो भी चेकआउट द वेबसाइट एंड बाय दिस टेल डैडी। तो गाइस अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्स, देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। और इसमें हमको एक डायरेक्ट फिट टेल डैडी मिलती है, मतलब यार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमको। आप देख सकते हो यहाँ ये दो होल्डर है, और ये इंडिकेटर्स के लिए है, ये नंबर प्लेट के लिए है। और आप ब्रांडिंग देख सकते हो मोटाई ग्रैंडाइज की। तो काफ़ी क्वालिटी और क्लीन लुक आने वाला है इससे हमारी बाइक का। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो बाकी हमें और कुछ तो मिलता नहीं है इसके साथ, बस यही मिलता है। गाइस इसमें इनकी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, और यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जो ये बनाते हैं, RC की टेल डैडी, MT की एंड रेडिएटर गार्ड, फ्रेम स्लाइडर्स एंड फॉक स्लाइडर। तो ये होल इंडिया में शिप करते हैं, आप ये भी मंगवा सकते हो इंडिया में। तो गाइस टेल टैडी लग चुकी है, और आपने अभी देखा मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगी होगी इस टेल टैडी को लगाने में। बस आपको बोल्ट कसने ही है और कुछ नहीं करना। बाकी अभी ये गंदी हो रही है थोड़ी, क्योंकि बारिश का टाइम है यार, तो क्लीन वगैरह तो कर लेंगे। बाकी एकदम क्लीन सा लुक आ रहा है इस टेल टैडी का। और इसमें मैं हाँ इंडिकेटर्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें इंडिकेटर्स लगाने का अलग से नहीं है, मतलब डायरेक्ट फिट आता है इसमें, आपको बस बोल्ट लगाने। 5 मिनट लगी होगी मुझे लगाने में। और अभी इसमें नंबर प्लेट लगा के देखते हैं किस तरह की लुक आती है। तो गाइस हमने नंबर प्लेट भी लगा दी है, और बाइक की लुक देखो आप एक बार। और सेम टेल टैडी आप RS200 में भी लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी लग रही है यार ये टेल टैडी देखो। तो अभी मैं इसमें इंडिकेटर्स KTM वाले मंगाऊंगा, मतलब RS वाले, फिर इसमें हम दोनों आगे पीछे दोनों साइड RS वाले इंडिकेटर्स लगा लेंगे, ज़्यादा अच्छी लगेगी ये। तो बस इतनी सी वीडियो थी ये। बाकी थैंक यू अगेन फॉर 40K सब्सक्राइबर्स। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू शॉप फॉर दिस टेल टैडी। और जो मैंने कोड आपको बताया यहाँ पे लिखा आ रहा है स्क्रीन पे, उससे आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा। सो मेक श्योर यू चेक आउट द वेबसाइट motoagrandize.in। बाकी उनका आप उनसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो, कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए। और ये टेल टैडी वारंटी के साथ आती है, अगर ये कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसमें
तो ये वापस हो जाएगी। सो थम्स अप फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।